हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहलाक जय दियो की हाल चाल हैरान सब ठीक ठाक वाला। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज जो है बारिश हो गई सुबह सुबह, है ना, ठंडा हो रहा है। आज ये डीडी हट जा रहा है तो आज ये मेरे व्लॉग्स में दिखेगा, दिन में तक दिखेगा, फिर चला जाएगा। तो अभी जो है हम नहा धो करते हैं। इसने तो नहा लिया, नहा लिया नहीं नहाया है, ऐसे कपड़े पहन लिए। नहीं चलो फिर मैं नहाती हूँ, उसके बाद आज का ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इसने कल का व्लॉग एडिट नहीं करा, कर दिया एडिट नहीं करा। एडिट कर दिया, अब डालूंगा। हाँ डालेगा। चैनल का नाम क्या है? ब्लॉगर। व्लॉगर। ओके ओके, ठीक। तो आप इसके व्लॉग देख लेना, फर्स्ट व्लॉग है इसका, है ना, पहला व्लॉग है इसका। तो अब ये कल से पढ़ाई करेगा, स्कूल खुल गए हैं इसके, ठंड हो रही है डीडी आर्ट में बहुत ज्यादा। तो चलो आगे मिलते हैं। अब अम्मा ने बना दिया है मूली के पराठे। मैंने खा दिया खा दिया छा के साथ, बिल्कुल घी वाले मूली के पराठे। पहाड़ों में बहुत अच्छा होता है। हाँ पहाड़ों में मूली खेत की हुई, केमिकल वाली नहीं हुई, हरी सब्जियां सब। अम्मा की शादी 12 साल में हुई थी, आप सोच सकते हो। 12 साल में गई। बाप रे, बोरो पूरे घेर तीरु लाग रहे तो मेरा तो पतले ही है ब्रिया, तो मतलब ब्रिया जी पोते के होने 12 साल में कहे पत्तो है। बोर पूरे घेर तीरु लागे भी होने, ये पूछ भी है। हाँ ये मांगा मेरे ब्रिया जी के बोरे नहीं भी हो। अच्छा 13, फिर ले 13 छाला। 13 तीरु लगे लगे भी 12 में है कि। बाप रे 12 साल में शादी। 12 साल में कर दी। मेरे बाद यहाँ बेर काम। काम शुरू जी नहीं हो पाते। हाँ लास्ट वाल पे हूँ मैं। अच्छा चार बैग हो गया मैं, हाँ चार बैग हूँ मैं, लास्ट वाल पे हूँ। सबसे नहीं सबसे नहीं 12 साल में ये पे तो भैया जी के नहीं होने दे मैं काम होने दो। बूब का 2 साल है। जब वो मेरा 18 साल है। 27 28 साल है बूब का। 18 साल को ना ले। अच्छा तुम 13। ये मैं खाली 13 लगे गई। 12 साल गई हूँ बर। बाप रे खतरनाक। बाहर में बाहर में तेरे पानी बहन किन्ने अमल तू शा अमल तू बहन तम अंगुल तो साधे तो मिले अंगुल तो नहीं भयो इमुले अंगुल तो नहीं भयो इमुले मी बुर मचा खानी भय येरी अंगुल खानी भयो। अच्छा हदे नादरे जो कदेल विसर में पोनो कदेल अंगुल खा बालो नहीं भय। अमन खने जो समय में हरम लाओ नहीं भय। अब उब्रान घगर टाल अब घगर लोगों ने लेशी नहीं भय। वो घगरे टाले आले के वो ये टाले रे वो मुंबई जगह का जली यो कर दुकर गयो अमन ये अमन खा बनी गयो। अच्छा क्या जो भी वो जी पूर बड़ा मन भाई के नहीं भय वो तो है। तो दगड़िया खाना वगैरह खा लिया है मैंने, और अम्मा जो है बता रही थी कि उनकी शादी जो है 12 साल की एज में हुई, और जो बुबू थे वो 28 के थे, 28 29 के। तो उस टाइम की बात, मतलब 12 साल में क्या ही पता चलता होगा कि शादी हो रही है करके। फिर वो आगे बता रही थी कि उनको ना अंगूठा चूसने की आदत थी, तो शादी के बाद दूसरे दिन ही जो है बुबू जो है पलटन में चले गए थे, मतलब आर्मी में थे तो चले गए थे। तो वो सोचते थे कि अब घाघरा उन्होंने पहनना हुआ शादी के बाद, तो पहनने ही हुआ घाघरा वगैरह। तो बोलती थी घाघरा वगैरह पहनती थी, ऊपर से वो डालती थी तो धी चुपके से ऐसे करके अंगूठा चूसती थी करके। तो उस अब की एज में, मतलब इस टाइम इस जनरेशन में तो 12 साल के बच्चों को तो क्या ही अकल होती है। उस टाइम पे 12 साल में शादी, फिर पूरा काम संभालना हुआ। बाप रे हेड्स ऑफ है हमारी सारी अम्माओं को उस टाइम की। और हम सोचते हैं हमने क्या ही संघर्ष करा है, मतलब संघर्ष तो रियल तो इन्होंने ही करा है। अब तो सब कुछ ठीक ही है, मतलब सुविधाएं हैं सब कुछ है।
कदरे हो नाला माशिया का भोला, कदरे हो नाला माशिया का भोला, भोला टाटरे वो याला माशिया का भोला, टाटरे बो जाला माशे कबूला, ला कशेरे होनले पानी के कोला, कशेरे होनले पानी के कोला, ओ जशरी उनली साल जमाल, ओहो ओला जशरी उनली साल जमाला, ओ शरी उनली पानी के कोला, कोला कोला कजागा होनले माशे कबूला, कजागा होनले माशे कबूला, काशकार गैसी बुआरी निहाला को रात में गैनी कौन आ रहे थे बाना तो फाल को होगा उन्हें छोड़ अल्टर्नेट हो अच्छा दमाग आ गया यहाँ फोन हाँ ये बाना तो फाल को हो गोविंदी सिंह गोविंदी तो फाल अच्छा पेपर में आवल ना तो हाँ टीवी में अच्छा टीवी में देखा है टीवी पर ऐसे बोल रहे हैं बाना तो फाल गोविंदी तो फाल कोई दमाग हलाई को हलाई सका देवी के पर देवी जिल में हो जाए अच्छा पता मिल गया पर मेर ना तेरे से जो भाव ना सफार गोविंद मेर दो में हो हाँ गोविंद में पसंद है रे भैया को अच्छा ओह कहाँ कहाँ पे फोन आ गया पे हाँ गाना हुन वाल नो निर मेर रीना वाल है टीवी में हाँ टीवी में अच्छा तब वो यार ये जो कैसे हो से यार बाद ना सफार हाँ कौन गंगन गंगा सफार हाँ गोविंद गोविंद सिंह सफार हाँ कका चल से आए गोविंद आ गया अच्छा मेन बोला अच्छा मेन ना तेन हो मेन ना तेन से मेन चल से मेर दो है हाँ तो ऐसे अच्छा आपकी गहला आम बा आपकी गहना तो मिने ऐसा रे से लामा क्यों के तलाये ये वा शे ला नि शे ला शे ला ब शे रो ला आ दे दे रे बो जा हरि बे रो मिला चिलम पी उन कोणान वा चिलम तमाक हां तमाक शेल बेबी हां सेल में शेल में बेबी चिलम पी उन कोणान लुग भी आई दे रे बो जा ग्यो जे बे लो ला हाओ मेरी भोजा क्यों के सोया ये कौन लगा पता मिने अम्मा गाना बला लगा ये बला लगा अब पुराना सांसे थी गाने में ओहो हाँ चला चाखुल माखुल वाल भी आका चाखुल माखुल डीजे वाल डीजे में डांस वाल भी आप हे बाप तो आगे तो आगे अल्लाह बरा हाँ आते को लोगों जान हाँ तीन सांसे गाई हूँ मिल जपा कर बल बला हुलना बल अम्मा ने जो है इतनी अच्छी झोड़ा चाचरी गाई अम्मा थोड़ा इमोशनल हो गई थी उन्हें अपने टाइम की याद आ गई थी क्योंकि उस टाइम पे सारे लोग घरे होते थे और बहुत अच्छे से लगती थी मतलब झोड़ा चाचरी गांव के सभी लोग होते थे अब तो जो है पढ़ने के लिए या जॉब के लिए सब बाहर चले जाते हैं तो मतलब उतना रस नहीं होता उतना अच्छा नहीं होता बोल रही थी अम्मा पहले जैसा नहीं होता मतलब बोल रही थी हाँ ऐसा भी है बट जितने भी लोग बाहर रहते हैं एटलीस्ट वो थोड़ा सा टाइम निकाल के छुट्टियों में या फिर जब भी आंठू वगैरह होते हैं हमारे जो फेस्टिवल होते हैं उनमें आया करें और मतलब गांव के लोगों को भी अच्छा लगता है गांव भी भरा 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 लगता है और आपको भी मे भी अच्छा लगे गांव आके तो आप छुट्टी लेके ज़रूर उस टाइम पर आया करें गांव जब आंठू वगैरह होते हैं खेल वगैरह झोरा चाँची लगती है उस टाइम पर
तो क्योंकि फिर बूढ़े लोग जो होते हैं, बुजुर्ग लोग, उन्हें भी आस रहती है कि यार पहले जैसा होता। आज के टाइम पे जो है धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है, तो इस बात का आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब भी आप बाहर हो या कहीं भी हो, आते रहना अपने गांव। मतलब झोड़ा चांचरी इन सब चीज़ें मतलब मिस नहीं होनी चाहिए। जैसे धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो वही जब ये लोग भी नहीं होंगे तो फिर आगे की जनरेशन तो भूल ही जाएगी ये सब चीज़ें। तो गाइस, अब जो है आयुष जो है जा रहा है डीडी आर्ट की तरफ पढ़ने जा रहा है। अब किताब पढ़ेगा वहाँ, ये अब स्कूल पढ़ेगा। घूमने भी जा रहा हूँ। घूमने जाते हैं डीडी आर्ट? अच्छा, पढ़ना बच्ची रहा। बाय बाय, टाटा। तेरे व्लॉग्स देखूंगी। अब अपना लिंक भेज देना मेरे को इंस्टा पे। इधर आए दिन आए हैं। टाटा टाटा बाय बाय। वैसे दिखता है नीचे को, यहाँ तो नीचे ये तो कुछ नहीं, इसके ऊपर मैदान है पूरी खेती। यहाँ और नाजनी के खेत देखे तूने? नाजनी बाजार के ऊपर। हाँ, वो कुछ भी नहीं है, उससे बड़े खेत है इसके ऊपर। अच्छा, इसके पल्ले तरफ तो बड़ा घना जंगल है। इस पहाड़ के पीछे क्या है? घर नहीं, ये वाला है जो सामने। हाँ, ये वाला। अरे ये इसके, ये जब ऊपर टॉप में पहुंचेगी। हाँ, ब्रांश बुरास बुरास का पेड़ यहाँ है। उसकी टहनी तेरी वो बिनाल नीचे, वो ऊपर उनके मकानों तक पहुंची है। इतने बड़े पेड़ है यहाँ बुरास की। बाबरे, उतने इसके ऊपर तो वन संपदा ठहरी। अखरोट, हिरन और जंगली बकरियां, बड़ा घना जंगल है ये तो। हिरन भी, बारासिंगा और शोरई। अच्छा, जिनके कस्तूरी मृग आगे मिलता है बहुत मुंशारी से आगे। हाँ। काला मुनिया पड़ता है यहाँ। ये तेरी बांस बगल से गई है जंगलात की रोड, इतनी चौड़ी है ये। घोड़े अच्छा। जाते थे पैदल, पुराने जमाने में रोड नहीं थी। अभी भी जंगलात की रोड है वहाँ काला मुनिया तक। ऊपर से ना इसके पीछे शमकोट है। शमकोट वो टॉप से दिखता थोड़ा, वल्ला शमकोट दिखता, पल्ला शमकोट धारी धार दिखती। अच्छा, नापड़ कहाँ हुआ? यहाँ नापड़ इस साइड से। वो उस टॉप से दिखते नापड़ क्या एरिया। अच्छा, वहाँ से नापड़ इधर आया ये, यहाँ नहीं, यहाँ 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 ठीक है। पैदल आते थे ना हम यहाँ से पहले शायद। हाँ, अच्छा, तब भी नापड़ के वहाँ से ये वाली चट्टान दिखती है। ये वाली चट्टान दिखती है ऊपर से जब हम नेट चलाने जाते हैं ऊपर। अभी हम आए थे वॉक पे अम्मा के साथ हैं हम। कल लगा पे अम्मा के पास भयंकर डराती है। डरना मत, हाँ डरना मत, हाँ। थोड़ी सी लकड़ियाँ, थोड़ी सी घास, ऐसे जाते हैं जंगल में। हाँ, वन में ऐसा जनान वही। हाँ, अभी भी अम्मा देखो वॉक पे जाती है। वापस आ गया, अब तो शाम हो गई। दगड़ियो दिख। हाँ, गुण इधर से देखो, जल्दी जाओ। तो चली गई ऊपर। हाँ, देखे थे। अभी कौन जाएंगे यहाँ? पूरा गांव का धारा था यहाँ पर, बिनाड़ा धार। पानी पीना है, कपड़े धोने हैं, जो कुछ भी है ऊपर गांव से लेके नंदन ससा ताऊ से लेके पांगर, ये क्षेत्र पूरा यहीं पर था। ये पानी की डिग्गी नहीं थी हमारे घर वाली, फिर हमारे घर के पास डिग्गी बनी, पानी की डिग्गी थी बहुत पुराने समय में। फिर वहाँ से यूज होता था, बाकी बचे कपड़े धोने के लिए यहाँ आते थे बिनाल। ये पूरा खेती, यहाँ संतरे थे उसके नीचे नीचे, यहाँ रीठा था, रीठे का बहुत बड़ा पेड़ था, रीठे कपड़े धोते थे रीठे से।
ये चप्पल पैंट ट्रैक सूट हाइनर गाड़ियाँ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है ठीक से। लोग यही खेती करते थे, लकड़ी कट्ठा साग सब्जी। सन 62 की है, चाइना वार में बनाई हुई। उससे पहले कोई गाड़ियाँ नहीं, बाइक नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पर नाचने के लिए रास्ता नहीं था, बरसात में तो इसको पार करना मुश्किल हो जाता था। और मैं लेट से आता था, कक्षा 9 में पढ़ता नाचती। सुबह का स्कूल कितने बजे? 7 बजे। वो पुराना रास्ता है, 2 पत्थरों के बीच में जहाँ घास जमी है वहाँ। अभी तो खाई बन गई, गैप बन गया, लोगों ने सीमेंट दीवारें लगनी शुरू हो गई। 7 बजे का स्कूल, कितने बजे जाते थे आप स्कूल यहाँ से? 1 से शाम को ठंडी मुडवा की रोटी पकड़ी डालन से, मिली तो खा लिया उसको, नहीं मिली तो उस समय जमाना ही ये था कोई जूते नहीं, कोई चप्पल नहीं, ठीक है, कोई पैरों में चप्पल नहीं, जूते नहीं। तेरा पापा वहाँ से आता था नापड़ से? नापड़ ना, थलादूर। थलादूर हाँ। तो ऐसे ऐसे फाइटर उस समय ऐसे ऐसे दौड़ लगाते थे बेटा। अभी तो इतना, अभी इस वक्त अगर पढ़ाई, इस वक्त कंपटीशन है, उस समय नहीं था। उस समय ऐसी ठगाई करके पानी निकलता, बाद में वहाँ लोगों ने जाना, अभी वहाँ का धारा वहाँ डाल दें, यहाँ डाल दें, ये आ रहा है। आजकल सारे मतलब 70% लोग ना जिस जगह पर ये धार्मिक स्थल है, पानी है ना, उस जगह पर शराब का सेवन कर रहे हैं। बाकी तो उनको कहीं पानी मिलता नहीं। अरे बाल आ गया, बाल डराने यहाँ बाज है ना, बाज गुण आ रहे हैं। और देखो लंगूर नीचे, ओ ये करेगा पेड़ से, ये बाघ क्या करेगा? पेड़ में चढ़ नहीं पाता साला, बाघ खाली चढ़ने की एक्टिंग करेगा जड़ में। हाँ। ये डर के मारे ऊपर से नीचे, इसका सिर्फ ब्लड ही ब्लड पीता है बाघ। अच्छा, बंदर को कुछ नहीं करता, बंदर को कोई लेना देना नहीं बाघ से। हाँ। इनको खाते होंगे गुण को। ऐसे करेंगे ये रात भर, तो समझ लो कि गुड़ बाग लग रहा। लंगूर लंगूर में रामायण के। हाँ। रामायण में पितृ मांगे गजे। हाँ, मांगे गजे। हाँ। और वो इसके पल्ले तरफ भी बड़ा सुंदर जंगल है, ये है टॉप है ये। इसके पीछे ना इतने बड़े बड़े घने जंगल हैं, अंगू हवाई जहाज के पट्टे बनते हैं, दल। अच्छा। जो कभी देखा नहीं, अखरोट, पांगर, लोठा, शोरी, पूरा उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ा जंगल होगा ये, घना जंगल। यहाँ से लेके चीड़ के पेड़ के तक ये हैं, ये तने शाह अजगर है। बूबू ने निकालो काटा था ना, वो भूख जमा हुआ ऐसे, ये तेरा ये ऐसे भूख, ये ऐसी जमा हुआ है ये भूख। निंगालो काटा तो निंगालो के टूके काट रहे थे बराबर करने, जब वो टूके थोड़े हिलने लगे ना ऐसे फेंके हुए टूके, हिलने लगे ऐसे, काट रहे हैं दाव से निंगालो। तो बोला ये तो बोला हिल रहे, बोला किसी को बोला, अरे बोला अजगर होगा वो, बोला तू भा छोड़ दे उस जगह को निंगालो निंगालो छोड़ दिया। ये इसके नीचे जितना है उधर से इधर दिख रहा है, इससे ज्यादा उधर है नीचे जंगल। जंगल और उस जंगल के अंदर पत्तियां गिरी है, वहीं की पत्ती वहां। आप इतना डाउन नीचे है इसके पल्ले तरफ, लेकिन जंगल है ये, कुछ नहीं है ये जो दिखाई दे रहा है ये जंगल। हाँ, बांस का। हाँ। ये 0 है, 1% भी नहीं।
इससे बड़े बड़े घने जंगल। आप यहाँ नीचे थोड़ी सी धूप दिखाई दे रही है आपको जंगल में, तो आप सोचोगे घड़ी नहीं है तो बहुत टाइम है, बहुत अभी है। लेकिन धूप नीचे नहीं आती है, पेड़ तेरे इतना भी पेड़ ऐसे देखना पड़ेगा ऊपर धूप की रोशनी से सीधा स्ट्रेट, तो ऊपर से धूप, फिर आप जब धार में आओगे तो धूप तो जा रही है, तो नीचे धूप आती नहीं। पत्तियां वहीं गिरती हैं, वहीं पेड़, और जड़ कितनी दूर नीचे है, ये इतनी जड़ नीचे है पेड़ों की, पत्तियों में वो जड़ है तेरी वहाँ तक है, बड़े पेड़ों की ना इतने में, वो पेड़ हवा चली तूफान कहीं पेड़ गिर गया, बजरी पड़ गया तो गिर गया, और जो आधे से टूटे पेड़ हैं फटे हुए, क्या आयुर्वेदिक ठहरे हो, हाँ। क्या चो मशरूम, मशरूम अच्छा, सफेद मशरूम जो उसमें टूटे हुए में दरार आती है ना पेड़ में, मशरूम में उस दरार से अंदर खाद हुआ ना, हाँ। उस दरार से बाहर निकाल के करके ऐसे करके चादरों में भर भर के लाते थे। इस जंगल के अंदर इतने मशरूम हैं, और ये जो है आपको खाई कहाँ पर होगा, ऊन नीचे होल, आप अगर उसके अंदर चले गए तो कोई अता पता नहीं होगा कहाँ जाएंगे आप। दो तरह के मशरूम होते हैं ना, एक जहरीले होते हैं, हाँ जहरीले तो यहाँ होते हैं, जहरीले पीले और लाल, हाँ पीले लाल वाले, और वो जो सफेद होते हैं वो खाने वाले होता है। इस जंगल के अंदर काकड़ पानी धौला पानी एक यहाँ पर है, हरेन पानी, इस गैप से बहुत नीचे जाना पड़ता है, उस पानी से क्या है सड़ी हुई जैसी शमेल आएगी। अच्छा तभी हरेन पानी पियोगे बड़ा मीठा। ये धौला पानी क्या है, धौला मतलब चीरे, चीरे है ना बीच में, हाँ जितनी अच्छा। बड़ी दुकान की दर आपकी नहीं है, ये पूरा बिल्डिंग नीचे से ऊपर लैंडर के रेलिंग शेलिंग साइड को छोड़ के ऐसे पत्थर हैं, वैसे पत्थर के बीच में इतना गैप होगा, ऐसे गैप, और नीचे पत्थर के ऊपर हट के दो गैप हैं बड़े वाले पत्थर है ना बैठे हुए, नीचे से भी पानी आता है और उसके गैप से भी पानी आता, धौड़ा पौड़ तब उसका नाम बुजुर्गों ने रखा था, धौड़ा ऊपर वो पया चोर है, वो पया चोर वहाँ मंदिर है, अच्छा पाया है वो पाया, वहाँ से लेके उधर आपको क्वेटी क्षेत्र पड़ता है जंगल धौलछीना, ये धौलगढ़ा, धौलगढ़ा धौलगढ़ा तेरा यहाँ से लेके नौलिंग बजियान तक जो है लीची का गार्डन है हॉर्टिकल्चर का, अच्छा लीची के पेड़ देखेगी तो बोला इस जगह लीची कैसी कहाँ से आ गई, जड़ से इतने मोटे हैं लीची के पेड़, ज्यादा ऊपर नहीं है वहीं से, वहीं अच्छा, से नीचे से, अरे बाबरे इतनी बढ़िया बढ़िया चीज है। अब कभी आएगी ज्यादा दिन ना, हाँ कहना है उतरी राठुक भतथाली अल्लाह भाजी बुबू गुहान भतथाली अल्लाह भाजी छोटी होंगी तो उतरी राठुक कहना है कल को तो बजात को मिल गए बाते खाते खाते बात की थाली फेंक दी, अच्छा बुबू जी चलेगी, ये बुबू ने पहले नहीं देख रहा था, देखा था उस समय देखते कहाँ थे भाई, शादी करनी सिर्फ ये पता था शादी करनी है, शादी करनी है जिसने रिश्ता फिर छोड़ी चीन चाहिए जी मे के कहना कहा भैया घर घर ठीक ठाक हो गया कि होटल चुनौती जिम जाग भी ठीक ही है और आदमी भी ठीक ही है खानदान भी ठीक है ना, ठीक से हो फिर जन्म कुंडली भी लाएंगे वो हो गए, ये होगा पता ही नहीं हुआ 12 साल के हैं वो खतरनाक रिश्ता ढूंढना आजकल वो फिट है जीवन आगे के लिए जीवन साथी को चुनना आज ठीक है और शादी की डेट आज दी हुई ठीक है, पहले के समय में बहुत पुराना समय था, कहाँ बात कर रहे हो, वही तो हुँ।